आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो महबूबा मुफ्ती जी, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनका 3 दिवसीय जो दौरा रजौरी में था उसको लेकर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रजौरी में हमारे जिला प्रधान श्री राजेंद्र गुप्ता जी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। श्री राजेंद्र गुप्ता जी, धन्यवाद कौशल जी, और धन्यवाद आप सब साथियों का जो आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे हमारे कौशल जी जो महामंत्री हैं उन्होंने आपको बताया, मेरे साथ आज कौशल जी रंजीत तारा जी महामंत्री हैं डिस्ट्रिक्ट के, हमारे डॉक्टर मक्खन सिंह जी सेक्रेटरी हैं, हमारे जोगेश शर्मा, जो महबूबा मुफ्ती जी, श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी जो 3 दिवसीय दौरे पर रजौरी पूंछ में रही, और उनके दौरे से हम कुछ उम्मीद कर रहे थे कि वो बड़ी देर के बाद रजौरी पूंछ का दौरा कर रही है तो वो आएंगी और पॉलिटिकल अपनी बात रखेंगी, पॉलिटिकल मंशूर अपना लोगों के सामने रखेंगी, जिससे इस खित्ते का, इस एरिया का भाईचारा बढ़ेगा और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। मगर मुझे बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने 3 दिन के दौरे में सवा यहाँ का माहौल खराब करने को, यहाँ के जो हमारा भाईचारा है, यहाँ का जो अच्छे से चल रहा है उसको तोड़ने के सिवा मैंने उनके मुंह से कोई अच्छे लफ्ज नहीं सुने। ये बड़े दुख की बात है। वो एक बड़ी कदावर शख्सियत है क्योंकि वो यहाँ की एक्सीएम रही हैं, उनके फादर साहब यहाँ के एक्सीएम रहे हैं, और वो एक बड़ी नेता है, पीडीपी पार्टी की बड़ी नेता है, अध्यक्ष है। उनको जब भी दौरा करना चाहिए कम से कम उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो भाईचारा है, वहाँ पे नेशनलिज्म है, उसको किसी तरह की ठेस ना लगे। जैसे उन्होंने दौरा स्टार्ट किया, उन्होंने दौरे में एक ही रात अलापा 370 वापिस आए। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी से कि जैसे ही उन्होंने ये पार्टी पीडीपी बनाई, उन्होंने एक स्लोगन दिया था सेल्फ रूल का, 3 साल उनके फादर साहब सत्ता में रहे, 3 साल वो खुद सत्ता में रही। मैं कहूँगा कि तब उन्होंने सेल्फ रूल का क्या किया, कहाँ था सेल्फ रूल? आज तक वो अपनी पार्टी के वर्कर को ये नहीं समझा पाई कि सेल्फ रूल होता क्या है। अब सेल्फ रूल को उन्होंने उठा के ठंडे बस्ते में डाला, उसके बाद उन्होंने दूसरा स्लोगन शुरू कर दिया कि 370 अगर जम्मू कश्मीर में टूटेगा तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने देखा कि अनगिनत लोग तिरंगा उठा के बड़े शान से चल रहे हैं, लाल चौक में जहाँ कभी पाकिस्तान के झंडे नजर आते थे वहाँ तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है, वो बात उनकी खत्म हो गई। इस टूरू में उन्होंने तीसरी बात नहीं निकाली कि 370 की वापसी होगी। बाबा, जो पानी पुल के नीचे से बह गया उसकी कभी वापसी नहीं होती, 370 की वापसी। ये स्लोगन ऐसे देके आप लोगों में क्या चीज़ डालना चाहते हैं? आप सच का सामना क्यों नहीं करते? आप लोगों को बताओ कि 370 का अगर जहाँ 70 साल रहा उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, सिवाय भुखमरी, सिवाय यहाँ दंगा फसाद, सिवाय मिलिटेंसी के, और 370 ने हमें क्या दिया? साथियों, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई जब वो पूंछ का टूर समाप्त करके आ रही हैं। बकोरी में उनका टूर है, डाक बंगलो सरकारी बिल्डिंग में उनका प्रोग्राम जो होना है, जलसा होना है, सब सरकारी बिल्डिंगों में। जैसे आपको पता है कि सब सरकारी बिल्डिंगों में आजकल छत पे तिरंगा झंडा जो है 370 टूटने के बाद शान से वो लहरा रहा है, डाक बंगलों के छत पे भी तिरंगा झंडा लहरा रहा है। मगर वहाँ पिछले एक हफ्ता से हमारे बड़े सीनियर मोस्ट नेता पीडीपी के, इस खत्ता के बहुत ऊंचे कद के नेता, वो पिछले एक हफ्ता से वहाँ पे कैंप किए हुए थे डाक बंगलो बकोरी में, जो वो सारी चीज़ मैनेज कर रहे थे। उनके साथ 5-7 लोग लगे हुए थे जो मैनेजमेंट पार्ट का हिस्सा थे, वो सब लगे हैं वहाँ के, चेयर लगानी, वहाँ टेंट हाउस लगवाना, वहाँ पे अपने फ्लैग लगाने, झंडे लगाने, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ आराम से। मगर दुख की बात तब होती है जब वहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा जो हमारा बड़ी शान से उस बिल्डिंग पे लहराया जा रहा था, उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने उस तिरंगे झंडे को उतार के अपना जो पीडीपी का झंडा लगा दिया। मैं कहूँगा कि ये पीडीपी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। अगर महबूबा मुफ्ती जो इस जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, जिन्होंने संविधान की कसम खा के चीफ मिनिस्ट्री करी है, उनको आते ही पहले उस बात को कंडेम करना चाहिए था अपनी स्टेज से कि जिसने तिरंगा झंडे का अपमान किया है, मैं उन वर्करों को पुलिस के हवाले करती हूँ कंडेम। मैं कहूँगा पुलिस के हवाले तो दूर की बात है, कंडेम करना तो
उन्होंने एक लफ्ज कंडम का नहीं बोला, ये बड़े दुख की बात है। इससे उस महबूबा मुफ्ती जी का दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फितूर चल रहा है वो समझ आती है, बड़े दुख की बात होती है। उसके बाद जैसे ही हमारे वर्कर वहाँ पे देखते हैं, रात को तिरंगा झंडा था, सुबह तिरंगा झंडा नहीं पीडीपी का झंडा है, इमीजिएट वो उसका फोटो खींच के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंड करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रही चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रही, उन्होंने विद इन टाइम वो जाके वो पीडीपी का झंडा उतार के नेशनल फ्लैग जो है उसको चढ़ा दिया। मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा फैसला लिया, पीडीपी ने एक जो गलत रोल कर रहा था महबूबा मुफ्ती जी ने उसको कंडेम तक नहीं किया, उन्होंने एक अपना रोल किया। उसके बाद तहसीलदार साहब एक एप्लीकेशन मूव करते हैं SHO बकोली को कि कुछ अननोन पर्सन ने यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा दिया है। मेरा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और तहसीलदार साहब से क्वेश्चन है, अननोन पर्सन कौन होते हैं? तिरंगा झंडा उन्होंने उतारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे थे, वो जो वहाँ पीडीपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने तिरंगा झंडा उतारा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चलो हम उस बात को लेके कल हमारे एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं वहाँ के शेरुद्दीन साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जो तिरंगा झंडा का अपमान हुआ है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो उस पर लगे हुए थे मैनेजमेंट, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। साथियों मेरा आपके थ्रू आपको प्रेस को बुला के आज बात रखने का एक इशू था यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो जल्द से जल्द जिन लोगों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया है, उस सरकारी बिल्डिंग से उतार के पीडीपी का झंडा लहराया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, अपना एहतजाज करेंगे पूरा मन, पीडीपी की तरह नहीं, हमने एहतजाज किया हमारे वर्कर ने खानवी ब्रिज पे, उनको तिरंगे झंडे दिखा के, भारत के जो तिरंगे झंडे दिखा के महबूबा जी को, हमने उनको ब्लैक झंडे नहीं दिखाए, हमने उनको हाय हाय नहीं किया, हमने उनको तिरंगे झंडे दिखा के, क्योंकि हमें बताना था कि लाखों लाखों कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के, जितने देर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है वो तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देगा। एक बार मेरा फिर आप मीडिया के कर्मियों के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है और यहाँ की एलजी गवर्नमेंट से निवेदन है कि जिन लोगों ने इस तरह का एक्ट किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए।